वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। तो ये आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग अभी परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 के सीरीज में आज हमारा पार्ट 12 है। पार्ट 11 तक अपलोड किया जा चुका है, ये आपका पार्ट 12 है। अब आपका वीडियो रेगुलर रहेगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। ये आपका पार्ट 12 और 11 पार्ट तक आपका प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर का। इसे पूरे वीडियो को पूरे अंत तक देखें, शुरू से लेके अंत तक देखें। आज हम लोग ऊर्जा एजेंडा के बारे में जानेंगे, ऊर्जा द्वीप के बारे में जानेंगे और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के जो भी चर्चा हुई है, जो भी न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से, ओके 2021 करंट अफेयर का ये बहुत ही वाइटल पार्ट है। चलिए तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 क्या है और साझेदारी से क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कोरोना महामारी की द्वितीय लहर के बीच 22 अप्रैल 2021 को लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, क्या लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में अमेरिका ने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 50-52% की कटौती करने का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है अमेरिका ने। वहीं भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये दोनों का लक्ष्य है। गौरतलब है कि साझेदारी के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने महत्वाकांक्षी जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेगा। तो यही था उद्देश्य। अब साझेदारी क्यों किया गया है, साझेदारी का क्यों क्या लक्ष्य है, पार्टनरशिप क्यों किया गया? तो वित्त जुटाना और स्वच्छ ऊर्जा परिनियोजन यानी डिप्लॉयमेंट को गति देना, उद्योग परिवहन बिजली और भवन क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने के लिए आवश्यक नवीन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और विस्तार करना है तथा जलवायु संबंधी प्रभावों के जोखिमों के मापन यानी मेजरमेंट प्रबंधन मैनेजमेंट और अनुकूलन एडेप्टेशन के हेतु क्षमता निर्माण करना है। साझेदारी दो मुख्य स्तरों पर आगे बढ़ेगी। वो दो मुख्य स्तर क्या है उसे भी जान लेते हैं हम लोग। रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप तथा जलवायु कार्रवाई और वित्त संग्रहण संवाद, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, जो मौजूदा प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला का निर्माण करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उइगर मुस्लिम एवं संबंधित विवाद क्या है। तो मार्च 2021 में तुर्की में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने चीन के साथ तुर्की के प्रत्यर्पण समझौते के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विरोध प्रदर्शन किया और चीन के शिनजियांग प्रांत में बड़े पैमाने पर बने शिविरों को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2020 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून को मंजूरी दी थी। उइगर समूह की बात करें तो उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम
अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह है। किसकी समूह है? तुर्क जाति की समूह है, जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है उत्पत्ति? तो मध्य एवं पूर्वी एशिया से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। उइगर अपनी स्वयं की भाषा बोलते हैं, जो कि काफ़ी हद तक तुर्की भाषा के समान है, और उइगर स्वयं को सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब पाते हैं। उइगर मुस्लिम को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदाय में से एक माना जाता है। वर्तमान में उइगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहती है। दशकों से शिनजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिम आतंकवाद और अलगाववाद संबंधी झूठे आरोपों के कारण उत्पीड़न, जबरन नज़रबंदी, गहन जांच, निगरानी और यहां तक कि गुलामी जैसे तमाम तरह के दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ रहा है। चीन की प्रत्यर्पण संबंधी क्या है? दिसंबर 2020 में चीन ने तुर्की के साथ एक प्रत्यर्पण संधि को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर कार्रवाई हेतु न्यायिक सहयोग को मजबूत करना था। प्रत्यर्पण किसी देश द्वारा अपनाई जाने वाली औपचारिक प्रक्रिया है। प्रत्यर्पण जो किसी व्यक्ति को दूसरे देश में अभियोजन के लिए आत्मसमर्पण करने या प्रार्थी देश के अधिकार क्षेत्र में अपराध करने वाले व्यक्ति पर अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रत्यर्पण समझौता ऐसा समय पर किया गया जब तुर्की और चीन के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंध काफी मजबूत हो रहे हैं। जापान और फाइव आईज के बारे में भी जानना जरूरी है, साथ में जापान। चीन द्वारा उइगर समुदाय पर अत्याचार जारी है। हाल ही में तुर्की में चीन के खिलाफ उइगर मुस्लिम के पक्ष में प्रदर्शन हुए। ऐसे हालात में जापान ने भी फाइव आईज में जुड़ने का प्रस्ताव दिया है। पहले जापान फाइव आईज में नहीं था। क्या है फाइव आईज, उसके बारे में भी जान लीजिए। गठबंधन है क्या? फाइव आईज गठबंधन है क्या? गौरतलब है कि फाइव आईज 5 देशों का एक प्रभावशाली खुफिया नेटवर्क है। नाम से ही क्लियर है, फाइव मीन्स 5 मीन्स 5 और आईज मीन्स 8। प्रभावशाली खुफिया नेटवर्क है। इसमें कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। देख ले 1, 2, 3, 4, 5। अब जो छठा जो जुड़ना चाह रहा है वो है जापान। जब फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड इसमें मिल जाते हैं तो यही गठबंधन 9 आईज कहलाता है। अभी 5 आईज है, ये 5 यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका है, तो 5 आईज है। जब फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड मिल जाते हैं तो ये हो जाते हैं 9 आईज। अब बात रही जापान की तो क्या हो जाएगी? 10 आईज। 5 आईज गठबंधन की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि अटलांटिक चार्टर में देखी जा सकती है, जिसे विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों के साझा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगस्त 1941 में जारी किया गया था। हालांकि इस खुफिया गठबंधन की औपचारिक शुरुआत 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। इस गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य चीन, उत्तरी कोरिया और रूस पर नजर रखना है और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करेंगे, जिसको जो जानकारी मिलेगी। अब बात करें हम ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध निर्माण की योजना। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध बनेगा वो चीन द्वारा बांध निर्माण किया जाएगा। चाइना प्लान्स टू बिल्ड डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। हाल ही में चीन गणराज्य की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस NPC द्वारा चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021 से 25 का एक प्रारूप पेश किया गया, जिसमें चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या बनाया जाएगा? बांध बनाने की परियोजना है, योजना है, को मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि चीन अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयार कर रहा है। परियोजना की मुख्य बातों की बात करें तो चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर बांध बनाना शामिल था, जिस पर भारत और बांग्लादेश ने चिंता जताई थी। चीन ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा नवंबर 2020 में की थी। उस वक्त चीन का तर्क था कि यारलंग जेंगबो के निचले क्षेत्र में बांध बनाना उसका वैध अधिकार है।
चीन ने यह भी कहा था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान निचले क्षेत्रों में पड़ने वाले भारत और बांग्लादेश के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध निर्माण से भारत एवं बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी जान लें। बांध के निर्माण की स्थिति में भारत बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है, ये बांध बन जाएगी तो। चिंता की बात यह है कि भले ही इस परियोजना की शुरुआत हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से की जा रही है, परंतु इसका दूरगामी परिणाम होगा एवं चीन इस नदी पर जो बांध बनाएगा उससे नदी पर पूरी तरह चीन का नियंत्रण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चीन द्वारा बांध के दरवाजे खोलने एवं बंद करने से पानी का बहाव तेजी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ भी आ सकता है या आएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में बाढ़ आ सकती है। ब्रह्मपुत्र को भारत के पूर्वोत्तर राज्य और बांग्लादेश के जीवन का आधार माना जाता है और लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। अब बात करेंगे हम विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021। 4 मार्च 2021 को जारी विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है, जिसमें 12 भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है। तो आइए जानते हैं वो 12 कौन से हैं जो शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। विश्व के शीर्ष 10 संस्थानों में जगह बनाने वाले 12 भारतीय संस्थान: IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IISc बेंगलुरु, IIT गुवाहाटी, IIT बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद और JNU, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और OP जिंदल विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो 12 संस्थान हैं इंडिया के शीर्ष पे। इनमें से IIT मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय के लिए विश्व में 30वां, जबकि खनिज और खनन इंजीनियरिंग के विषय के लिए IIT बॉम्बे को 41वां और IIT खड़गपुर को 44वां स्थान दिया गया है। प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 92 स्थान मिला है। इसके बाद IIT बॉम्बे 11वें में हैं, IIT मद्रास 87वां हैं और IIT दिल्ली 210वें स्थान पर रहे। लाइफ साइंसेज और चिकित्सा श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को 248वां स्थान, जबकि कला और मानविकी में जवाहरलाल नेहरू JNU को 159वां स्थान दिया गया है। इस सीरीज को जरूर याद करेंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने दुनिया भर में सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन श्रेणी में 208वां स्थान हासिल किया है दुनिया भर में। अब बात करें हम अफगानिस्तान में लालंदर यानी कि सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अफगानिस्तान में लालंदर यानी सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो क्या है ये, इसे भी हम लोग आइए देखते हैं। अफगानिस्तान में लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का एक समारोह 9 फरवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया था। इस समझौता ज्ञापन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी की उपस्थिति में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किए। मुख्य बातें हैं क्या, इनका जान लें। यह परियोजना भारत अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। लालंदर यानी सहतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के इलाकों को सिंचाई का पानी प्रदान करेगा, सिंचाई और जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्जीवित करेगा, इलाके में बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के प्रयासों में सहायता करेगा तथा इस क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति करेगा। भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध सलमा बांध भी बोल सकते हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति ने जून 2016 में किया था, के बाद यह भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है। दूसरा बड़ा बांध है। लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अफगानिस्तान के सामाजिक आर्थिक विकास तथा दोनों देशों के बीच अस्थायी साझेदारी के प्रति भारत की मजबूत और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता प्रतिबिंब है। अफगानिस्तान के साथ भारत विकास से जुड़े सहयोग के एक हिस्से के तौर पर भारत ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों को शामिल करते हुए 400 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है। अब बात करें हम ऊर्जा द्वीप की, तो डेनमार्क बनाएगा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप। इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद करें, ये इम्पोर्टेंट है। क्या बनाएगा? डेनमार्क बनाएगा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के माध्यम से यूरोप की बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत किया जाएगा और जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। अब इसके हब के बारे में हम बात करें तो ऊर्जा हब एक अपतटीय बिजली संयंत्र के रूप में काम करेगा और उत्तरी सागर के आसपास के देशों में अपने कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं को सीधे द्वीप के आसपास के पवन टर्बाइनों से हरित बिजली वितरित करेगा। यह द्वीप पर हरित बिजली को संग्रहित करने एवं इसे तरल हरे ईंधन में परिवर्तित करने और इससे सबसी केबल के माध्यम से डेनमार्क और पड़ोसी देशों में भेजने के में सक्षम होने की दीर्घकालिक अभिलाषा है। ऊर्जा द्वीप के बारे में क्या है यह भी जान ले। क्या तथ्य है? कृत्रिम द्वीप परियोजना का विस्तार, उदाहरण के लिए एक बंदरगाह का निर्माण और भंडारण की सुविधा तथा समुद्र के पास पवन टर्बाइनों से हरित बिजली के रूपांतरण करने के लिए सबसे अच्छे अवसर प्रदान करेगा। विदित हो कि पहली तरह का यह विशालकाय द्वीप 18 फुट बॉल पीचों 1,20,000 वर्ग मीटर जितना बड़ा होगा। डेनिश पार्टियों के एक व्यापक गठबंधन ने दो ऊर्जा हब और संबंधित अपतटीय विंड फार्म्स स्थापित करने का निर्णय लिया है, एक उत्तरी सागर में कृत्रिम द्वीप के रूप में और एक डेनिश द्वीप बोर्नहोम में बनेगा। समझ जाएं इसका क्या होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, इस परियोजना में एक ऊर्जा केंद्र एक हब के रूप में कार्य करता है जो आसपास के अपतटीय विंड फार्म से बिजली एकत्र करता है और बिजली ग्रिड के माध्यम से जुड़े देशों के बीच बिजली वितरित करता है। इसके अलावा अपतटीय पवन ऊर्जा की प्रचुरता का उपयोग शिपिंग, विमानन, भारी उद्योगों तथा भारी शुल्क वाले वाहनों के लिए भी जलवायु अनुकूल ईंधन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। दोनों ऊर्जा हब एनर्जी हब की प्रारंभिक क्षमता 5 गीगावाट होगी, जो डेनमार्क में वर्तमान अपतटीय क्षमता को तिगुनी कर देगी। बाद में कुल 12 गीगावाट क्षमता प्रदान करने के लिए इनका विस्तार किया जाएगा। डेनमार्क वर्तमान में एनर्जी हब में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और यह दुनिया भर में अब तक अंतिम चरण आउट स्थापित करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक है। चर्च के नियमों में बदलाव किए गए हैं, इसे भी जान लें हम। जनवरी 2021 में रोमन कैथोलिक चर्च के मुखिया पोप फ्रांसिस ने कहा कि महिलाएं यानी रोमन कैथोलिक प्रार्थना को पढ़ सकती है। विदित हो कि LRR कैथोलिक के लिए सर्वोच्च प्रार्थना होती है, लेकिन पादरी नहीं बन सकती हैं। अब इंजल पढ़ सकती है महिलाएं। इंजिल चर्च के नियमों के मुताबिक महिलाओं को विशेष तौर पर प्रार्थना के दौरान और कार्य करने की अनुमति होगी, लेकिन वे पादरी नहीं बन सकती हैं। फ्रांसिस ने कानून में संशोधन कर दुनिया के अधिकतर हिस्सों में चल रही प्रथा को औपचारिक रूप दिया है। महिलाएं इंजिल पढ़ सकती हैं और
वेदी पर यूक्रिस्ट मंत्री के तौर पर सेवा दे सकती है। गापेल शब्द ग्रीक शब्द इनाओगेलियन से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है अच्छा समाचार। चर्च से संबंधित समाचार को गापेल कहा जाता है। ये भी जान लीजिएगा, चर्च से संबंधित जो समाचार होते हैं उसे गापेल कहा जाता है। विदित हो कि इससे पहले ये भूमिकाएं औपचारिक रूप से पुरुषों तक ही सीमित थी, हालांकि इसके कुछ अपवाद भी थे। इन नियमों के तहत अब दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं इन भूमिकाओं को निभाती हैं। पादरी बनना महिलाओं के लिए अब भी असंभव। पोप के अनुसार चर्च के नियम में कुछ बदलाव महिलाओं को सम्मान देने के मकसद से भी किए जा रहे हैं। हालांकि चर्च का पादरी बनना अब भी महिलाओं के लिए एक दूर के सपने जैसा ही है। तो ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये आपका पार्ट 12 था। पार्ट 11 तक का जो है एप्स एंड पोर्टल वाला, वो भी अपलोड किया जा चुका है। आप उसे जाके प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट या फिर जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। विराम देते हैं। और हाँ, जो भी नया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें वीडियो को, और लोगों को भी फायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है, और कमेंट करें। ओके, लाइक जरूर करें, लाइक करने में तो आपका कुछ जाता नहीं है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ें, अब टाइम कम है, मिलते हैं अगले सेशन में।